हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को जो अभी तक पहले और दूसरे लेक्चर में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप पढ़ रहे होंगे और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के ऊपर ही है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंकेज, डिस्कस 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस इन प्रिपरेशन ऑफ लिंकेज मैपिंग। लिंकेज क्या है और 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा आप बताइए कि हम लिंकेज मैपिंग कैसे तैयार करेंगे। इसके अंदर 3 पॉइंट्स के साथ साथ 2 पॉइंट का भी कभी कभी पूछ लेता है। और फिर क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्रॉसिंग ओवर का पूरा प्रोसेस और उसके सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पूछते हैं। फिर है राइट एन एसे ऑन जीन मैपिंग। जीन मैपिंग के ऊपर ऐसे लाइक उसमें हमें वही सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिंकेज, टेस्ट क्रॉस और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, है ना, ये सारा कुछ मैपिंग के लिए। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर which leads to genetic recombination to the process of evolution. Describe the cytological observation that suggests that crossing over has taken place. वही आ गया पूरा हमारा क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो पूछा गया था उसी को घुमा के उन्होंने बोल दिया, ठीक है। फिर है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंटरफेरेंस ऑफ द जीन एंड कोइंसिडेंस ऑफ द जीन। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। हमारी यूनिट फिफ्थ में से आता है डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है उसके बारे में हमें डिफाइन करना है और डिस्क्राइब नॉन डिसजंक्शन एज प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के का प्रूफ देने के लिए आप नॉन डिसजंक्शन थ्योरी जो है उसको डिस्क्राइब कीजिए। फिर है क्वेश्चन डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ह्यूमन एंड रेप्टाइल्स। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, सेकंड में थोड़ा सा घुमा दिया है ना, घुमा दिया है क्या है कि मतलब नेक्स्ट स्टेप पूछ लिया है कि मेजर डिफरेंस बताने हैं हमको सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, जो कि ड्रोसोफिला में होता है, ह्यूमंस में होता है और रेप्टाइल्स में होता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए फिर सेक्स डिटरमिनेशन, डिस्क्राइब ऑल थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन डिटेल्स गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच। जो ऊपर दो क्वेश्चंस में दिया था ना एग्जामिनर ने, वो सारी चीज है उसने इस वाले एक क्वेश्चन में पूछ लिया। दोनों क्वेश्चन में ऊपर तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमको देना था क्योंकि एक एक करके चीज पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल पूछा गया है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सब चीजों को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डिस्क्राइब कर देंगे। फिर डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। एंड देन राइट नोट ऑन सेक्स लिंकेज, और सेक्स लिंकेज के ऊपर हमको यहाँ पे नोट निकला है। अपनी सिक्स्थ यूनिट पे चलते हैं। सिक्स्थ यूनिट में है, व्हाट आर द थ्री मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब ईच एंड डिस्टिंग्विश अमंग द थ्री मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन गिविंग 1 पॉइंट फॉर ईच। यहाँ पर हमें बैक्टीरिया के अंदर जो तीन तरीके का रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्जुगेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में पूछ लिया बैक्टीरिया के कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो क्या है और उसके बारे में क्या जानते हैं, कैसे होता है। डिस्कस द रोल ऑफ एफ पॉजिटिव एंड एच एफ आर स्ट्रेन। और यहाँ पे एफ पॉजिटिव और एच एफ आर स्ट्रेन के बारे में हमें बताने की उनका क्या रोल होता है कॉन्जुगेशन के अंदर। देन डिटेल्ड नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेक्शन एंड कॉन्जुगेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था कि थ्री मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में बैक्टीरिया का बताना है। अब बिल्कुल यही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा उसने जो मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन है उनको उनके नाम दे दिए। यहाँ पे मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन के नाम हमें खुद ही देने और उनको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे डिटेल जो नोट्स मांगा है उसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेक्शन और कॉन्जुगेशन के बारे में लिखना है। देखो बिल्कुल लगभग लगभग सेम सही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा तरोड़ मरोड़ दिया है लेकिन टॉपिक्स लगभग लगभग सेम ही है।
फिर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन इन डिटेल इन बैक्टीरिया। अब देखिए कॉन्जुगेशन के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा इम्फोसिस दिया गया है, कॉन्जुगेशन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि कॉन्जुगेशन आ भी सकता है, और पॉसिबिलिटीज है कि कई बार से अगर कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है तो अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसट्रक्शन के बारे में ले लिया जाए। इस वाली यूनिट को करने के लिए सबसे बढ़िया बुक मुझे लगती है ब्लैक एंड ब्लैक की। उसमें बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही डायग्रामेटिक और अच्छे तरीके से समझाया हुआ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी से। ये हमारी तीनों यूनिट के बारे में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स हैं वो मैंने आज बता दिए हैं। जो उसमें से क्वेश्चंस आए यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो भी मैंने बता दिया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये तीनों यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो लर्न करने हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या आपके दोस्तों के लिए हो सकते हैं, तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।